भारत के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में शुमार ताजमहल में बम रखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया था। ताजमहल में बम रखे जाने की खबर आखिरकार फर्जी निकली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद ये जानकारी दी और ताज परिसर को पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया। पुलिस का कहना है कि बम रखने की धमकी देने वाले की भी पहचान हो गई है, उसे फिरोजाबाद में हिरासत में ले लिया गया है। ताजमहल में बम होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकाला और ताज के दोनों दरवाजे बंद कर दिए थे। आगरा पुलिस की बम डिस्पोजेबल टीम ने पूरे परिसर की चेकिंग की, इसमें कोई विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि बम रखने की सूचना किसी देने वाले ने 112 नंबर पर कॉल किया था। उसने कहा था कि सैनिक भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है और इसी वजह से उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है। उसने ताजमहल में बम रखा है जो कुछ ही देर में फट जाएगा। पर आखिरकार जब पूरे परिसर को चेक किया गया तब किसी भी तरह के विस्फोटक नहीं मिलने से पुलिस समेत प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जबकि फोन पर बम की धमकी देने वाला भी फिरोजाबाद से हिरासत में ले लिया गया है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।